हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज है दोस्तों मंडे और आज है मुझे छुट्टी है। आप बोलोगे आज मंडे को कौन सा छुट्टी आ गया, तो आज है दोस्तों यहाँ पे जापान में मरीन डे, एक नेशनल हॉलीडे है। तो लकीली आज बहुत दिनों के बाद में, वैसे कल और परसों तो मेरा कॉलेज था तो वीकेंड को कहीं हम जा नहीं पाए, बट बहुत दिनों के बाद में आज नेशनल हॉलीडे आया है। वैसे तो जापान में अभी समर चल रहा है, बट आप देख रहे हो वेदर पूरा बारिश का हो चुका है और जून जुलाई में यहाँ पे समर फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने अभी तक आपको आई थिंक सिर्फ एक समर फेस्टिवल बताया है। पिछले कुछ वीक पहले हम आसाकुसा टेम्पल गए थे, वो एक ही था, उसके बाद में हम कोई टेम्पल या फिर कोई फेस्टिवल में आपको नहीं बता पाया। बट दोस्तों आज मैं आपको दो समर फेस्टिवल जो कि बहुत ही यूनिक है जापान में, वो आज आपको बताने वाला, तो बने रहेगा पूरे वीडियो में। ये अगर देख रहे हो दोस्तों आप मेरे पीछे, ये आई थिंक बहुत बार मैं यहाँ से गया हूँ, यहाँ पे काम चल रहा था, फाइनली अभी इसका काम ख़त्म हो चुका है। अभी बज रहे दोस्तों 11:20 हो रहे हैं और जो फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है वो 1 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो ये रूट अभी हमने डाल दिया है इस मैप में और 6:24 हमें स्टेशन के लगने वाले हैं। पहुंच गया अब हमारे नोगाता स्टेशन के पास में, हमारी एक ट्रेन छूट गई, अभी दूसरा ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ताकादानो बाबा स्टेशन पे। यहाँ से हमें फिर से दूसरी लाइन चेंज करना है, यामानोते लाइन। अरे यार शिट, 1 सेकंड से हमारी ट्रेन छूट गई है। दोस्तों पहुंचे शिनागावा स्टेशन पे और यहाँ पे देखो स्टेशन के ऊपर ही छोटा सा दुकान लगा हुआ है, जो जैपनीज प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं, सारे ट्रेडिशनल मसाले स्वीट्स एंड ऑल सब यहाँ पे मिलते हैं और लोग यहाँ पे लेते भी हैं। ये जा तो वैसे एयरपोर्ट रही है हानेदा एयरपोर्ट, बट हमें 2 स्टॉप के बाद में ही उतर जाना है आईजेमा स्टेशन के पास में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट स्टॉप पे, जिसका नाम है हेइवा जिमा स्टेशन और यहां से अभी हमको लेना है एग्ज़िट। ये देखो दोस्तों इस स्टेशन के बाहर साइकिल की पार्किंग देख लो भाई साहब, इतनी बड़ी साइकिल की पार्किंग मैंने अभी तक जापान में कहीं पे भी देखी नहीं है। साइड में भी है आगे तक एकदम, और इस तरीके से यहाँ पे लोग साइकिल पार्किंग लगाते हैं। अंदर यहाँ पर आपको शायद तो पैसे वगैरह देने पड़ेंगे ये पार्किंग के रास्ते में। दोस्तों देखो पेट्रोल पंप भी लगा है मुझे, पर मेरे हिसाब से सेल्फ सर्विस वाला है, आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लाओ और अपने आप ही यहाँ पे आप पेट्रोल भरवा सकते हो 65 और जो डीजल है उसका 176 है। देख लो बच्चों की बेसबॉल की टीम है जो अभी कहीं तो भी जा रहे शायद खेलने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आज हम 2 फेस्टिवल अटेंड करने वाले हैं, एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग में। तो इवनिंग के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम वहाँ पे जाएंगे, बट अभी आपको मैं जो करंट फेस्टिवल हम देखने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इस फेस्टिवल का नाम है दोस्तों मिजू दो में नो माय। ये जो फेस्टिवल है ये ओता सिटी में है, थोड़ा टोक्यो से दूर आता है और ये स्टार्ट होगा यहाँ पे एक एलिमेंट्री स्कूल है जिसका नाम है ओमोरी डाइची एलिमेंट्री स्कूल, वहाँ से वो स्टार्ट होने वाला है और फिर उसके बाद में फिनिश वो होने वाला है। उसके बगल में ही एक श्राइन है, टेंपल है, वहाँ पर वो फिनिश होने वाला है। ये देखो दोस्तों रास्ते में मुझे एक नदी लगी है और ये देख लो कितना क्लीन नदी है, ये मछलियाँ वगैरह भी है।
तो फाइनली हम पहुंच गए ओमोरी दाइची एलिमेंट्री स्कूल के पास में। यहाँ पर ही बगल में ही वो एलिमेंट्री स्कूल है और यहाँ पे आप देख रहे हो लोगों की भीड़ है जो कि मिजुदो में नो माय फेस्टिवल देखने के लिए आए हुए हैं। अभी शायद 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, 1 बजे का इन्होंने टाइमिंग दिया था। हम 15 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये ट्रेडिशनल इन्होंने जापनी स्टाइल कपड़े हुए पहने हुए हैं। तो ये फेस्टिवल स्टार्ट होने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता देता हूँ। तो ये बात है 13th century की, यानी 700-800 साल पुरानी। तो यहाँ पे जापान में बारिश नहीं आ रही थी, तो यहाँ के जो दो श्राइन के जो संत थे, जैसे हमारे हिंदी में महाराज या साधु वगैरह जो होते हम बोलते हैं ऐसा, तो दो साधु महाराज थे, उन्होंने पूजा की थी ड्रैगन की और उन्होंने बोला था कि भाई पानी बारिश आने दो। तो 2 साल तक इतनी बारिश आई और उसके बाद में बारिश आने की वजह से फिर यहाँ पे जो बाढ़ वगैरह फ्लड काफ़ी ज़्यादा आने लगे। तो 2 साल के बाद में फिर लोगों ने उनको ब्लेम करना स्टार्ट किया कि तुम्हारे वजह से ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश आई है और फ्लड आया है, नुकसान हुआ है। तो 2 साल के बाद में फिर से इन्होंने पूजा करना स्टार्ट किया ड्रैगन का। तो मिजुदो में यानी ड्रैगन मास्क होता है, तो उसकी उन्होंने वो मास्क पहन के वो पूजा करते हैं और उन्होंने वो टाइम पे भगवान की फिर से पूजा की ड्रैगन की और उनको प्रे किया कि भाई बारिश अब मत आने दो। और हुआ ये कि बारिश उसके बाद में आई नहीं, तो तब से फिर ये जो ये फेस्टिवल है, ये पूजा है, ये स्टार्ट हो गई है। तो उसको बोलते हैं मिजुदो में नो माए, यानी वो ड्रैगन की पूजा करते हैं और भगवान को प्रे करते हैं कि भाई यहाँ पे अब बारिश मत आने दो, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, आपको पता है कि रोज़ ज़ोरदार बारिश आ रही है। तो आज ही प्रे करने वाले हैं भगवान को और बोलने वाले कि बारिश मत आने दो। और उस फेस्टिवल में कुछ जो कुछ करने वाले हैं वो मेरे लिए भी नया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि फेस्टिवल में एक्चुअली करते क्या है बारिश को रोकने के लिए। बट यहाँ से अभी वो फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और बगल में ही एक श्राइन है, वहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो चलिए अभी वेट करते हैं ये फेस्टिवल स्टार्ट होने का। ये दादाजी देख लो जैपनी स्टाइल किमोनो पहन के साइकिल पे आए हुए हैं। वाओ कितने कूल लग रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उस फेस्टिवल में। ओ बच्चे भी आए यहाँ पे, देखो किमोनो पहन के, वाओ कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट है काफी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये है घास, जो कि जो लोग यहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं वो आई थिंक इसको पहनेंगे और पहन के रोल करने वाले हैं। मुझे एक्चुअली पता नहीं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर भी एक है घास और वो साइड में भी है, देखते लोग इसको कैसे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर अभी बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है फैन की। तो दोस्तों 2 मिनट में अभी स्टार्ट होने वाला है ये फेस्टिवल और ये जो दो घास थे ना यहाँ पे, देखो उन्होंने सेंटर में ला के रखा है इसको और ये सारे लोग अभी जिन्होंने ट्रेडिशनल जापनी स्टाइल कपड़े पहने हुए हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और अंदर भी ना मुझे काफ़ी लोग दिखे हैं जिन्होंने काफ़ी ट्रेडिशनल वगैरह कपड़े पहने, वो शायद यहाँ से आने वाले हैं। तो अभी बस 2 मिनट में स्टार्ट होने वाला ये। क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी शायद ये इसको पहनने वाले, मेरे हिसाब से इसके अंदर जाने वाले हैं, आई थिंक सो। काफ़ी हेवी लग रहे हैं मुझे। उसको उठाने के लिए 4 लोग लग रहे हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, इंदो जिंदेस, इंदो यूट्यूबा, सो दिस ने। अंकल बोल रहे थे कि इंडिया के लोग ये फेस्टिवल देखने वाले हैं क्या, मैंने बोला हाँ अभी पूरा वीडियो भी इंडियन के लोग देखने वाले। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये जो फेस्टिवल है आपके दोस्तों के साथ में भी बिल्कुल शेयर करिएगा। इसके अंदर अभी 2 बंदे जा चुके हैं वो जो घास के अंदर, और वो अभी शेल जो होते हैं ना हमारे, जो शंख बजाते हैं, देखो वो बजाने वाले शायद। हाँ शेट, पानी फेंक दिया किसी ने तो भी ऊपर। तो जब ये शंख बजाते हैं ना, यहाँ से फेंकते हैं पानी, ये लोगों ने अपने सारे कैमरे के ऊपर पूरा कवर लगा के रखे थे और मेरे कैमरे के अंदर पूरा पानी जा चुका है। देखो किस तरीके से उनको वो भी उठा के ले जा रहे हैं। यार पानी फेंक रहे हैं ना, मुझे डर लग रहा है कैमरे के अंदर ना चले जाए।
ये देख लो, ये भैया यहाँ से पानी भर रहे हैं और फेंक रहे हैं वहाँ पे ले जाके। ये तो होली जैसे चल रहा है यहाँ पे। बारिश को रोकने के लिए इस तरीके से ये पानी फेंक रहे लोगों के ऊपर। ये भी देखो देखो देखो, इनको तो मज़ा आ रहा है पानी फेंकने में। देख लो मेरा पूरा पैंट, जूते, शर्ट, बाल सब कुछ गीला हो चुका है। और यहाँ पे अभी चल रही है होली लोगों की, पानी की होली। वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा गीला हो चुका हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बनाना है आगे जाके, तो वहाँ पे गीला तो होना ही है। अभी निकली बच्चों की रैली, सारे किमोनो पहन के बच्चे यहाँ पर, पीछे लंबी रैली काफ़ी। मिरौनूक है ना, ये अभी यहीं तक है और आगे तो आपने देखा होगा कि वो वहाँ पे जो शंख लेके दो लोग रोल करके जा रहे हैं। तो अभी ये जो पालकी बोल सकते हैं हिंदी में, ये पालकी अभी जा रही है, बगल में एक श्राइन है यहाँ पे, वहाँ पर, और वहाँ पे जाके ये जो फेस्टिवल है मिजिनो माए समथिंग, ये अभी वहाँ पे जाके ख़त्म होने वाला है। वहाँ भी शायद कुछ डांस वगैरह कुछ तो करने वाले हैं, वहाँ जाके देखते हैं अभी कि फाइनल इनका फिनिश कैसा होता है। जैसे हमारे इंडिया में भी पालकी में होता है ना कि जो लोग पालकी में होते हैं उनको पानी वगैरह खाना पीना देते हैं। देखो यहाँ पे आंटी इसके अंदर ठंडा पानी लेके और जो जिनको पानी वगैरह चाहिए बांट रही है, कितना प्यारा है। जिन लोगों के घर है यहाँ पे उनके तो मज़ा है। ये देखो यहाँ पे आंटी बाहर आ गई, बढ़िया देख रही है। ये अंकल देख लो, ये तो रेनकोट पहन के आ गए यहाँ पे। सही है। दोस्तों पहुंच गए हम अभी ये श्राइन के पास में। ये देखो यहाँ पर बगल में ही श्राइन है और यहीं पे ये पालकी अभी ख़त्म होने वाली है। ये देखो यहाँ अभी इतना बड़ा टब भर के रखा हुआ है पानी का। और ये हम पहुंच चुके हैं गेंसेई जी श्राइन के पास में और यहाँ पर ये फाइनल अभी शंख बजा रहे हैं। ये कितना हीवी देख लो, चार पाँच लोग लग रहे हैं इसको उठाने के लिए। सेनो यानी जैसे एक साथ में अगर कुछ करना है, 1 2 3 स्टार्ट ऐसा वाला। अभी आगे दोस्तों हम इस श्राइन के अंदर, ऑलरेडी लोगों की भीड़ है, देखो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ है, मे बी शायद यहाँ पर जो पालकी के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। अंदर है भगवान का मंदिर, आपको पहले अंदर जाके दिखा देता हूँ मैं भीड़ होने से पहले। देखो यहाँ पे बच्चे भी किमोनो पहन के हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो शंख वगैरह जो बाहर बजा रहे थे ना, ये पुराने शंख है जो 19th सेंचुरी से जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है। ड्रेस जो कि जो जो बंदे थे उन्होंने पहन के रखा था बाहर, जो उसके अंदर थे घास के अंदर। और ये है पुराने वाले, ये जो बाहर इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे थे ये भी पुराने वाले हैं। और ये दोस्तों तातामी मैट, ट्रेडिशनल सबके घर में भी होती है और टेंपल में अगर आप जाओगे ना तो इस तरीके से तातामी मैट होती है, लोग यहाँ पे बैठने के लिए होते हैं। और यहाँ पे चेयर भी लगा के रखी है, तो मैं भी शायद यहाँ पे कुछ देर बाद में पूजा होने वाली है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने सारी अरेंजमेंट करके रखी। और एक बात आपने नोटिस की होगी कि जापान के श्राइन, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि चप्पल जूते पहन के नहीं आना, बट देख लो यहाँ पे सब जूते चप्पल पहन के ही श्राइन के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने भी जूते पहन के अंदर आए हो। तो अब आप अगली बार कमेंट मत करना कि मैंने कभी जूते पहन के अंदर आ गया। तो इनको भी देखो उठा के ले जा रहे स्टेज के ऊपर, भाई गिर मत, गिरा मत देना। वो बंदा अभी भी उसी के अंदर है। Hey!
वो भी देखो जाके बाहर निकला है बंदा उसी से क्या हालत हो गए होंगे उसके। ये भी दूसरा जो बंदा था उसको भी ऊपर ला रहा है, दूसरे बंदे की भी क्या हालत हो गई, देखो वो बाहर निकल रहा है उसमें से भाई साहब पूरी लग गए होंगे उसके इतने दूर से यहाँ तक बेचारा उसके अंदर उसको लौटते लौटते लाया, फाइनली रिलीफ मिला उसको बाहर आके। अभी जिसने उनको लाया था ना देखो दोस्तों उसको पूरा खोल दिया है उन्होंने, तो अभी ये पालकी के जो सारे मेंबर थे वो अभी स्टेज के ऊपर आ गए हैं और ये देखो उन्होंने अभी मुंह ढक लिया है पूरा, जो भी आए थे ना चार पहले तो मुंह उनके खुले हुए थे, अभी उन्होंने अपना मुंह पूरा ढक लिया है। ये बच्चा देख लो अपना टैबलेट लेके आया वीडियो शूट करने के लिए, मुझे लग रहा है ये भी ब्लॉगर बनने वाला है एक बात नोटिस की दोस्तों कि ये जो इनके सर के ऊपर पहना हुआ है ना ये है तीन ड्रैगन मास्क, इसलिए इसको बोलते हैं मिजू दोमे। इस श्राइन के बगल में दोस्तों यहाँ पे है सेमेट्री, जहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना स्मशान भूमि, इस स्मशान भूमि के पास में देखो यहाँ पे लोगों के घर है, लोगों के घर ना ऐसे स्मशान भूमि के सामने अगल बगल में होते, तो जापान में ऐसे नहीं होता, जैसे हमारे इंडिया में जितना मुझे पता है कि स्मशान भूमि के आसपास घर नहीं होता, स्मशान भूमि बहुत बाहर होती है। यहाँ पे आप जितने भी स्मशान भूमि देखोगे सेमेट्री देखोगे ना तो लोगों के घर के आसपास ही होगी, यानी सिटी के अंदर ही इस तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बनी होंगी। देखो यहाँ पे कितने रोज़ इसको ना जो फूल वगैरह होते हैं ये सब चेंज करते हैं हमेशा। दोस्तों अभी हम निकल गए उस श्राइन के बाहर, वो जो फेस्टिवल था अभी और आधा घंटा चलने वाला है, बट मुझे अभी ज़ोर से भूख लगी है तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे आसपास कहीं पे खाना खाते हैं और फिर हमको शाम को भी जाना है एक दूसरा फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। तो चलिए आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद में। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यासुकुनी जिंजा में और यहाँ का माहौल कुछ और ही है मेरा जो कैमरा है वो अभी डिस्चार्ज हो चुका है तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ मेरे फ़ोन से। देखो दोस्तों ये है माहौल अभी यासुकुनी जिंजा के बाहर का, भाई साहब कितना सही लग रहा है। यहाँ पर मोर देन 30,000 30,000 से भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे लैटन जो कंदील है वो लगा के रखे हुए हैं। आपको तो पता होगा दोस्तों इसको तोरी बोलते हैं और ये देख लो कितना बड़ा तोरी है भाई साहब, इतना बड़ा तोरी मैंने शायद आज तक कभी देखा नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा ये इस जिंजा के अंदर। और ये लैटन तो भाई साहब है ना कितने सही लग रही है, बहुत आगे तक है एक्चुअली। आगे दोस्तों अभी चल रहा है बोन ओदोरी डांस। सुन ओदोरी जापान में एक्चुअली फेस्टिवल होता है जो कि समर में होता है, बोला ऐसे जाता है कि जो यहाँ के एंसेस्टर होते हैं उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे ये सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पर सेंटर में एक स्टेज लगा हुआ है और वहाँ पे अभी लोग उनका ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे लगे दोस्तों स्टॉल्स, आपको अगर यहाँ पे कुछ खाना है तो आप यहाँ से ले भी सकते हो खा भी सकते हो। आगे तक स्टॉल लगी पूरे जैपनीज स्टाइल खाने के लिए, यहाँ पे अभी परफॉर्म कर रहे हैं ना वो इस तरीके से किमोनो वगैरह पहन के आए हुए हैं और अभी स्टार्ट होने वाला है परफॉर्मेंस यहाँ पे डांस का। ये अंकल बजा रहे हैं अभी ड्रम।
हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और आपके पास अगर क्यूमनो भी नहीं है तो आप डांस कर सकते हो वहाँ पे, भले आपको स्टेप आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जाओ सर्कल में ज्वाइन कर लो और जैसे डांस आता है वैसे आप डांस कर सकते हो। अभी हम वॉक कर रहे हैं दोस्तों श्राइन के पास में, ये उसका एंट्री गेट है। ये श्राइन में मैं आज तक कभी नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं अभी आया हुआ हूँ। आया भी तो देखो ऐसे अवसर पे, पूरे यहाँ पे कंदील लगे हुए हैं पूरे श्राइन के अंदर, है ना। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि पिछले 8 साल में मैं आज तक यहाँ पे क्यों नहीं आया। अभी देखो अंदर आया मैं और अंदर भी यहाँ पे लगे हुए, बट यहाँ पे छोटे लगे हुए, जब बाहर से मारे थे ना बाहर से एंटर किया वहाँ पे बड़े लगे हुए थे, वो शायद 20,000 थे, 20 या 30,000, और जो बचे हुए 20-30,000 है वो देखो छोटे वाले लगे हुए हैं। कितना सही लग रहा है ये, वाओ। जो श्राइन है दोस्तों ये वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल जिंजा श्राइन है जापान में, क्योंकि ये जो श्राइन है ना ये ऑनर करता है यहाँ के सोल्जर्स को, ऑलमोस्ट 20-40 लाख सोल्जर्स जो कि शहीद हुए थे यहाँ के वॉर में, उनको ऑनर करने के लिए ये श्राइन बनाया गया था। तो इसका स्टोरी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा, बट आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है यहाँ का श्राइन। ये अंदर भी लोग जा रहे हैं, पता नहीं कुछ तो भी है यहाँ पे, अंधेरा है, जाके देखते क्या चीज़ है यहाँ पर। गार्ड भी खड़ा है यहाँ पर। This is the Nara entrance. Exit. Where is the entry for this? There is a white tent over there. Okay. There is a reception desk in a tent. Okay. And you need to pay 1,000 yen. Okay. And then you can go inside. And this is shrine on inside? Right. Okay. Okay. Thank you. In a garden. Okay. Thank you. No problem. अच्छा ये अंदर ना श्राइन का जो back side है और अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं देखने लायक, बट उसके लिए हमको 1,000 येन यानी 600 रुपये पे करना पड़ेगा और उसका एंट्री वो साइड से है। जाने दो कौन ये भी 1,000 येन पे करेगा अंदर जाने के लिए वो भी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आप बाय कर सकते हो, ये प्लेट मैंने आपको शायद बहुत बार बताया है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो, आपका जो विश है वो लिख के आप यहाँ पर टाई कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों ने देखो यहाँ पर अपनी जो विश है वो यहाँ पर लिखी हुई है जापनीज़ में, और ये यहाँ पे शायद मुझे इंग्लिश में एक विश दिखी है किसी की इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मराठी में, हिंदी में, जो भी आपके लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के भगवान को लैंग्वेज आती ही नहीं, बट इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पर कुछ ये बेच रहे हैं, पता नहीं क्या है, मेरे हिसाब से कुछ सुवेनियर टाइप है, यहाँ पर जैपनीज़ फ़ैन वगैरह इस तरीके से, पता नहीं कितने का है भाई साहब, 1500 येन का एक फ़ैन है ये, हमें तो नहीं लेना है, हमने 250 से ले लिया था 100 येन का। अंकल का ड्रेस कितना बढ़िया लग रहा है।
चलो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कि जो दो फेस्टिवल मैंने आपको बताए सुबह और शाम के, शायद आपको याद रहे होंगे नाम। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मिलता हूँ आपको मैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।